लॉकडाउन का दिन है, मैं आपको एक नज़ारा आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगा। जिस तरीके से यहाँ पर लोग बेवजह टहल रहे हैं, यातायात विभाग ने यहाँ पर सिविल लाइन थाने के सामने चेकिंग लगा रखी, लगातार वो एक एक लोगों को निगरानी कर रहे हैं, लोगों को समझाइश दी जा रही है, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, आप खुद सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को लोगों को सुरक्षित रखिए। उनके चालान किए जा रहे हैं, ना चेहरे पर, कुछ लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है, कुछ लोगों के पास हेलमेट नहीं है। यहाँ तमाम तरीके के लोगों को देखा जा सकता है, जिस तरीके से यहाँ पर लोगों की भीड़, ये बताने के लिए पर्याप्त है कि जिस तरीके से शनिवार और रविवार को रीवा में कोरोना पेशेंट पाए गए हैं, यहाँ लोगों को नहीं समझ में आ रहा उनको किस तरीके से एहतियात बरतना चाहिए। यातायात विभाग यहाँ पर पूरी तरीके से चुस्त है। हमारे साथ दिलीप जी हैं, मैं उनसे जानूंगा लॉकडाउन का दूसरा हफ्ता किस तरीके से यहाँ पर लोगों को क्या समझाइश दे रहे हैं और वो क्या नहीं मान रहे हैं। सर अमृतलाल, लोगों को क्या समझाइश दे रहे हैं, वो लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? देखिए, ये चेकिंग जो है पुलिस की है, सुबह 8 बजे से लगी हुई है। 8 बजे से मैंने देखा है करीबन 300-500 ऐसे लोगों को पकड़ा जो बिना मास्क के चल रहे थे। ये बहुत ही गलत है, इतने सारे लोग बिना मास्क के चल रहे हैं, बिना हेलमेट के चल रहे हैं, कोरोना के संक्रमण के दौर में ये बहुत ही गलत है। इसलिए पुलिस जो है इनको रोक रही है, इनके जो है चलानी कार्रवाई हो रही है, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चलानी कार्रवाई हो रही है, महामारी एक्ट के तहत चलानी कार्रवाई हो रही है। और यदि इस तरीके से लोग निकलेंगे तो संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएगा। इसलिए इस संक्रमण को खतरे को रोकने के लिए हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को जो आदेश हुआ है कि लगातार जो है पुलिस निगरानी करेगी, चेकिंग करेगी, और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत तो महामारी एक्ट के तहत जुर्माना करेगी। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यहाँ पर कार्रवाई हो रही, जुर्माना हो रहा। जैसा कि मैं अभी आपने बताया, लगभग 300 से ज़्यादा लोग इस कोरोना काल में यहाँ पर यातायात की लापरवाही, यातायात को व्यवस्था बिगाड़ने में नज़र आ रहे थे, उन पर चालानी कार्रवाई की गई है, फिर भी यहाँ लोग नहीं मान रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा, किसी के समझ में नहीं आ रहा, जिस तरीके से यहाँ पर कोरोना काल में लगातार पेशेंट बढ़ रहे हैं, उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि आने वाला समय रीवा के लिए निश्चित रूप से बेहतर नहीं कहा होगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।